दोस्तों गुड मॉर्निंग। जैसे आप जानते हैं मेरा नाम मोहम्मद मोइन है और अभी ये कमाल, ये मैजिक रिच आदमी यहाँ सब रहते हैं। देखो ये सारे समुद्र का लहर, क्या ये मज़ा आ रहा है, क्या ये पहाड़ी, क्या लाइफ, ये सारे अपने अपने फ़ोटो खींच रहे हैं सारे। मतलब देखा जाए तो लगता है ऐसा कि कहाँ आ गया हूँ मैं, क्या ज़िंदगी हो गई है। वाह, थैंक यू वेस्टीज, थैंक यू मैनेजमेंट, मिस्टर बाली सर, कन्वर सर, दीपक सर, थैंक यू अपलाइन, मेरे संतोष सर, राज सर, विवेक सर, आपके क्या कहते हैं हमारे रिजवान सर, रेहान सर, धर्मेंद्र मान जी, सारे अपलाइन को तहे दिल से शुक्रिया। संजय सर को तहे दिल से शुक्रिया क्योंकि जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, मेरी टीम को सब बताया और आज मैं इस ज़िंदगी को जी पा रहा हूँ और आज अपनी लाइफ को जी पा रहा हूँ। दोस्त एक नहीं तो एक सिलाई करने वाला लड़का, कहाँ ज़िंदगी कट गई थी। सुबह जाना, शाम में आना, रात पटरी पे टी शर्ट बेचना, बस वही ज़िंदगी आलम बन गई थी दोस्त। लेकिन आज ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा है, ज़िंदगी पता चल रहा है कि यार मेरी अहमियत ये थी। वाह, विदेश में आके कॉफ़ी पीने का मौका मिलेगा, विदेश में रिच आदमी के साथ रहने का मौका मिलेगा, विदेश में बड़े बड़े लोगों के साथ रहने का मौका मिलेगा, ये समुंदर का एंजॉय करने का मौका मिलेगा। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था सर, मेरे सोच में भी नहीं थी दोस्त, और आज वेस्टीज ने ये कर दिया। दोस्त मैं यही कहूँगा, एक ही मैसेज दूंगा दोस्त, डिसीजन लो लेकिन परंतु में मत रहो मेरे भाई, क्योंकि लेकिन परंतु हमें रोकती है और डिसीजन हमें आगे बढ़ाती है। डिसीजन लो दोस्त और अगली बार हम दोनों भाई साथ आएंगे, हम सब साथ आएंगे, हम सब मिल के काम करेंगे, पूरे इंडिया में तहलका मचाएंगे। और आज ये देखो हमारे साथ केशव जी हैं, ये देखो मजे कर रहे हैं। केशव जी कुछ बोलना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा, एंजॉय करिए, अगली बार आप भी आइए साथ में, फुल एंजॉय करेंगे, थैंक यू। वाओ, ये देखो अरविंद जी को सर्दी लग रही है, देखो अरविंद सर काफी सर्दी में आ गए हैं, पता ही चल रहा है यहाँ कितनी सर्दी है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। और आप लोग भी मजा लेना चाहते हो तो जल्दी जल्दी वेस्टीज को सीरियस होकर करो, हम अगली बार आपके साथ आएंगे। ओके विश्व, यस। अब मिलाते हैं कैप्टन हमारे यूसीडी राजेश जी। राजेश सर कैसा फील हो रहा है? मैं राजेश और मैं सर के साथ बहुत मजे कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी नॉर्मल परिवार वाला व्यक्ति कामयाब हो सकता है। अगर आप बनना चाहते हो अमीर और रिचेस फैमिली से तो आप अभी से वेस्टीज करना स्टार्ट कर दो। मैं कोई मतलब बहुत मैं मतलब रिचेस फैमिली से नहीं हूँ, एक नॉर्मल परिवार से हूँ, और अगर मैं इंडिया से साउथ अफ्रीका, पटाया और दुबई जा सकता हूँ तो आप समझ लो कि फिर आप भी जा सकते हो, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी और बढ़ाओ और बढ़ाने के बाद पासपोर्ट जरूर बनवाओ, थैंक यू। यस, क्या बात है, देखा आपने कितनी बड़ी सोच, कितनी अच्छी सोच हो गई है। और हमारे सामने हमारे कैप्टन क्राउन डायरेक्टर मिस्टर अरविंद नवीन सर, नवीन करण जी, सर कुछ कहना चाहेंगे? सर जिंदगी का हर वो सुख यहाँ दिखता है, क्या नज़ारा है सर, पहाड़ का देखिए, क्या सामने पूरा समुद्र का लहर ऐसे बिखेर रहा है, ऐसे महसूस करा रहा है, यहाँ सारे के सारे अलीशान बंगला, ऐसे लग रहा है ये सारे के सारे अरबपति लोग हैं जिनका यहाँ पे वास है, यहाँ निवास कर रहे हैं और सब पर्सन यहाँ लाइफ को जी रहे हैं क्योंकि सामने समुद्र और यहाँ लाइफ को बेहतर से बेहतर कर रहा है। दोस्त ये मौका शायद आज मैं वेस्टीज में नहीं लिया होता, ज्वाइनिंग नहीं किया होता, ये नहीं मिलता, ये मौका आज हम लोगों को तो मिल रहा है। यदि आपको भी चाहिए तो मैं एक ही बात कहता हूँ, अपने सीनियर को सर फोड़ के कुछ भी करके दो बार, चार बार, दस बार, बीस बार बैठिए, समझिए और इस बिजनेस को करिए क्योंकि यही आपको लाइफ को बेहतर कर सकता है। पैसा तो लोग बहुत कमा रहा है लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा, यहाँ जो एंजॉय मिल रहा है पैसा, यहाँ जो एंजॉय मिल रहा है शायद कहीं नहीं मिल सकता क्योंकि 11-11 घंटा सफ़र करके इंडिया से हम लोग साउथ अफ्रीका आए हुए हैं और आ करके लाइफ को एकदम एंजॉय कर रहे हैं। तो यही मौका है, अभी भी सबक ले लो, समझ जाओ और इस काम को शुरुआत कर दो, थैंक यू इसी वे। वाओ, देखा सर को कितना फीलिंग कि 9 घंटा तक हवाई जहाज में इन्होंने उड़ा है, तो वो फीलिंग तो वाकई में सर कहीं ना कहीं तो दिल को टच करता है, राइट? तो दोस्त मैं यही कहूंगा जल्दी आप स्टार्ट करो और हमारे साथ अगली बार विदेश आओ, अपनी लाइफ को जियो, थैंक यू। वे अपने बच्चों की भविष्य को बनाओ, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करो और अपने बच्चे को भी लाइफ दो, जीने का मौका दो और आप अपनी जिंदगी को जियो मेरे दोस्त। मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद, मैं मजे करने के बाद। ओके, विश यू वेल।